नमस्कार, न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क में आपका स्वागत है और हम इस समय मौजूद हैं बरेली के कस्बा फरीदपुर के खल्लेपुर गांव में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रामगंगा का जलस्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहां पर जो ये संपर्क मार्ग था इस पुल से वो पूरी तरह से टूट गया है और इस बढ़ते हुए जलस्तर ने इस पुल को इस संपर्क मार्ग से पूरी तरह से अलग कर दिया है। और लगभग 60 गांव के ग्रामीण इस संपर्क मार्ग का इस्तेमाल करते थे और यहां पर लगभग 500 बीघा जो फसल थी तो वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई। लगभग 3000 किसान इस जल प्रलय से प्रभावित हुए हैं और चारों तरफ आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां पर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और इस रामगंगा के बढ़ते हुए जलस्तर से किसान आशंकित हैं क्योंकि कालागढ़ और हथनीकुट बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अगले 1-2 दिन और पानी यहाँ पर छोड़े जाने की संभावना है, जिसके बाद जो रामगंगा का जलस्तर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ज़मीन है उसका कटान लगातार जारी है। आप देखिए इसमें ज़मीन में जो दरारें पड़ रही हैं, ये मिट्टी यहाँ से जो है लगातार धंसने की कगार पर है और ये लगातार यहाँ पर जो पानी है वो मिट्टी का कटान कर रहा है और संपर्क मार्ग को पूरी तरह से काट दिया है। देखिए सामने जो पुल है उससे यहाँ की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, मिट्टी जो है वो लगातार कटती जा रही है और इसी को लेकर यहाँ पर ग्रामीण यहाँ पर डटे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दुर्घटना ना होने पाए। आपका क्या नाम है? आसिफ। कहाँ के रहने वाले हो? नवादा। नवादा के। कितने लोगों की फसल का नुकसान? बहुत नुकसान हुआ है, कम से कम करोड़ रुपए का हो गया है, करोड़न से। अच्छा, ये नहीं को 10 बीघा गन्ना चला गया जी। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? संजीव कश्यप। संजीव जी बताओ कि पहले कभी इतना पानी भरा? नहीं, कम से कम 20 साल पहले हुआ था। बहुत जमीन कट गई जो सब कटे, गन्ना वन्ना सब खड़ा हो, सब बहुत नुकसान हुआ लोगों का। बहुत नुकसान, फसल कट गई है, बाजरा धान गन्ना गेहूं मतलब गन्ना वन्ना सब कट गया। अपनी है और ये भी सब मारी जा रही है मिर्च। अच्छा हाँ, बहुत लोग किसान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर गन्ना मिर्च और तमाम जो बाजरा और तरह तरह की फसलें यहाँ पर बोई गई थी उन सभी फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात करने की बात कही थी लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जो पुल की गुणवत्ता थी, जो इस संपर्क मार्ग की गुणवत्ता थी, उस पर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि वो मानकों के अनुरूप नहीं थी, लिहाजा जो पानी का कटान है वो इस निर्माणाधीन सड़क मार्ग को बहाकर ले गया। यहाँ पर लगभग 60 गांव के जो ग्रामीण थे वो इस संपर्क मार्ग का इस्तेमाल करते थे जो इस जल प्रवाह के कारण प्रभावित हो चुके हैं। बरेली क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते फरीदपुर से दातागंज को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर बना पुल बह गया, इससे 60 गांवों का आवागमन ठप हो गया है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए यहां पुलिस टीमों को तैनात कर दिया है। पुल बहने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने घटिया सामग्री से पुल निर्माण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सेतु निगम ने फरीदपुर दातागंज के खलपुर गांव के पास 31 जनवरी 2017 में 697 मीटर लंबे पुल का निर्माण कराया था। 40 करोड़ की लागत से बना पुल रामगंगा नदी का तेज बहाव नहीं झेल सका और पुल गंगा में समा गया। फरीदपुर दातागंज संपर्क मार्ग कटने की सूचना पर SDM निधि डोडवाल ने राजस्व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर हालत को देखा और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। अब फरीदपुर से दातागंज और बदायूं जाने वाले लोगों को 40 किलोमीटर का चक्कर काटकर पहुंचना पड़ेगा। संपर्क मार्ग कटने से किसानों और कारोबारियों में बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दातागंज के सैकड़ों किसान रोजाना फरीदपुर की मावा मंडी में मावा कारोबार के लिए आते हैं, जबकि फरीदपुर के लोग दातागंज में दूध के व्यवसाय को जाते हैं। अप्रोच रोड से पुल जुड़ने के बाद वह अच्छे तरीके से अपना व्यवसाय कर रहे थे, अब कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, साथ ही व्यापार के लिए लंबा चक्कर काटकर आना जाना पड़ेगा। रामगंगा की बाढ़ के दौरान संपर्क मार्ग भी नदी के बहाव के साथ कट रहा है। खलपुर के ग्रामीणों ने रेतीली मिट्टी से संपर्क मार्ग बनाने का आरोप लगाते हुए ठेकेदार और विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। अभी भी संपर्क मार्ग बनाने की परियोजना पूरी नहीं हो सकी है। साल 2020 में पुल बनकर तैयार हो गया था। 2021 में खलपुर के ग्रामीणों ने संपर्क मार्ग के लिए जमीन देने को लिखित सहमति भी दे दी थी, उसके बाद भी परियोजना जस की तस है। संपर्क मार्ग के लिए 4 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के बाद किसानों को मुआवजा दिया गया था। इसके बाद ठेकेदार ने रेतीली मिट्टी से संपर्क मार्ग बनाकर पुल से आवागमन शुरू करा दिया, जबकि हर साल बाढ़ के दौरान रामगंगा संपर्क मार्ग क्षेत्र में कटान कर रही थी। बीते 4 दिन से हुई भारी बारिश और बैराज से रामगंगा नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच रहा है। तटवर्ती इलाकों में जलभराव की स्थिति है। बाढ़ की आशंका से ग्रामीणों को चेतावनी जारी कर नदी से दूर रहने के लिए कहा गया है। बाढ़ खंड की रिपोर्ट के मुताबिक रामगंगा का जलस्तर अभी थमने वाला नहीं है। बारिश नहीं हुई तो भी अगले 3 दिनों तक जलस्तर बढ़ने की आशंका है, क्योंकि मुरादाबाद में हुई बारिश और बैराज से छोड़ा गया पानी भी बरेली की सीमा में पहुंचेगा। इसमें 2 दिन लग सकते हैं। अभी रामगंगा का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। रामगंगा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बहेड़ी, मीरगंज, सदर, आंवला और फरीदपुर के किनारे स्थित गांवों में बनी बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं। तटबंधों की निगरानी की जा रही है। किसी तरह की जनधन हानि होने पर तत्काल मदद मुहैया कराई जाएगी।